हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलटी सेल एक्विजिशन प्रोसीजर। उसके अंदर क्या-क्या स्टेप्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। या आप सबसे पहले जब भी अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑन करते हैं तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स ट्रिगर होते हैं आपके मोबाइल के अंदर, वो स्टेप्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये 6 स्टेप्स हैं जो जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तो यूई जो है वो सेल से सिंक करेगा। तो उसके लिए कुछ ये 6 स्टेप परफॉर्म करता है। सबसे पहले रिसीव पीएसएस, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, ये हमें सेल भेजता रहता है, या ई नोड भी आप बोल सकते हो, वहां से हमें ये मिलता है। इससे हमें सिंबल टाइमिंग और सेल आइडेंटिटी विद इन ग्रुप, ये दो चीज हमें इससे पता चलती हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है रिसीव एसएसएस, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। अब इसके अंदर हमें फ्रेम टाइमिंग पता चल जाएगी कि हमें फ्रेम कौन सा फ्रेम सिंक्रोनाइज करना है, फिजिकल सेल आइडेंटिटी, ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, टीडीडी एफडीडी या साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन, ये हमें एसएसएस से मिल जाती है। 4 चीज, 2 चीज हमें पीएसएस से मिलती है। उसके बाद स्टार्ट रिसेप्शन ऑफ रेफरेंस सिग्नल। अब उसके बाद रेफरेंस सिग्नल मिलते हैं हमें एम्पलीट्यूड एंड फेज रेफरेंस फॉर डिमॉड्यूलेशन एंड पावर रेफरेंस फॉर चैनल क्वालिटी एस्टिमेशन। ये चैनल की क्वालिटी को बताता है कि भाई क्वालिटी कैसी है, जो हमें चैनल जो इनोड भी ट्रांसमिट कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। फिर रीड मिप फ्रॉम पीबीसीएच, फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल से हम मिप को रीड करेंगे। मिप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंटीना, डाउनलिंक बैंडविड्थ आपको पता चल जाएगी कितनी है, 1.4 से लेकर 20 MHz तक जोन से भी बैंडविड्थ नेटवर्क सपोर्ट कर रहा होगा वो आपको सेल भेज देगा। सिस्टम फ्रेम नंबर, PHICH कॉन्फिगरेशन, ये 4 चीज आपको मिप से मिल जाएंगी फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल पे। फिर उसके बाद स्टार्ट रिसेप्शन ऑफ PCFICH, फिजिकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंट्रोल सिंबल्स हर सब फ्रेम के अंदर कितने हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कंट्रोल सिंबल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद रीड सिप्स फ्रॉम PDSCH, फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल से फिर आप सिस्टम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। जैसे सिस्टम इंफॉर्मेशन 1 से लेकर 13 तक शुरू में आई थी रिलीज 8 में, उसके बाद नई सिस्टम इंफॉर्मेशन आती जा रही है, जैसे 1, SIP 2, SIP 3, अप टू SIP 13, SIP 14, SIP 15, अब 21 तक भी आ गई है सिप। अगर आप लेटेस्ट RRC की स्पेक देखेंगे तो उसके अंदर और सिस्टम इंफॉर्मेशन ऐड होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि आप हमें सेल एक्विजिशन प्रोसीजर बताएं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताना है। आप कोई भी स्टेप पहले नहीं बता सकते, सबका एक सीक्वेंस है, आप उसी सीक्वेंस से इंटरव्यूअर को बताइएगा। तो ये 6 स्टेप फॉलो करता है जब भी कोई सेल एक्विजिशन प्रोसीजर हमारा यूई एलटी जिसकी कैपेबिलिटी होती है वो परफॉर्म करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपको वीडियोस शेयर करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।